जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भोजन करते समय हमें पांच बिंदुओं का ध्यान रखना है, 5 पॉइंट्स इन फूड्स। ये 5 पॉइंटों को मैं इसलिए स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि भोजन ही भगवान है। भोजन हमारे लिए जीवन दाता है। भोजन से हमारे जीवन की समस्त और शरीर की जो क्रियाएं हैं वो जागृत होती हैं। बिना भोजन के सब जीवन शून्य हो जाता है। अगर भोजन करते समय इन हम 5 तत्वों को, 5 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो आपका जीवन सुखी, सफल, उन्नति, प्रगति और एक खुशहाल जीवन रहेगा। तो आओ हम आपको बताते हैं 5 बिंदु क्या हैं। सर्वप्रथम बिंदु यह है कि भोजन, भजन, हवन और पूजन, इनमें आसन अनिवार्य है। प्राय करके मैं देखता हूँ कई लोग जैसी भोजन करने की इच्छा हुई, जहाँ थाली प्लेट लेके मन में बैठ गए और बैठ करके खाना शुरू कर दिया। कभी कोई उत्सव में, विशेष में परिस्थिति में आपको ये सब छूट है, अन्यथा अपने घर में नित्य प्रति आप आसन पर बैठ करके भोजन करें। आसन पर बैठ के भोजन नहीं करेंगे तो हमारा वैदिक शास्त्र तो ये कहता है, पौराणिक इतिहास ये कहता है कि जब हम बिना आसन के भोजन करते हैं तो हमारे भोजन का फल इंद्र ले जाता है और हमें केवल 18% रहता है, 82% इंद्र ले जाता है, 82%, क्योंकि षष्ठांश का अर्थ होता है लगभग 18%, ऐसा इसकी गणना आती है। और वैदिक साइंस के अलावा जो हमारा आधुनिक परिप्रेक्ष्य का या साइंस है वो ये कहता है कि आसन के बिना तुम्हारा अर्थ पृथ्वी से हो जाएगा। तो जो तुम भोजन का अभिन्न अंग, एक सकारात्मक ऊर्जा भोजन के साथ ग्रहण करोगे वो पृथ्वी में समाहित हो जाएगी और पाप उससे वंचित हो जाएंगे। ये पहला बिंदु आपको अत्यंत ध्यान करने और स्मरण योग है। हमारे ग्रंथों में तो यहाँ तक लिख दिया है कि बिना आसन के भोजन करने वाले प्राय करके गरीब और दरिद्र जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस गंदी आदत से बचना है और आपको आसन का प्रयोग करना है। मैं इसी संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि आज के युग में हमारा जो डाइनिंग टेबल का सिस्टम है वो शास्त्र सम्मत है। आप बैठते हो नीचे और भोजन का आसन होता है ऊंचा। प्राय करके कई लोग चौकी पर बैठ जाते हैं या आसन पर बैठ जाते हैं और भोजन की थाली जमीन में होती है। तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके आसन के साथ साथ भोजन का भी आसन होना चाहिए तो आपके जीवन में अत्यंत सुखद और सफलता होंगे। दूसरा बिंदु, जो पहले भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हम प्रसन्नता पूर्वक भोजन को ग्रहण करें, भोजन करते समय हमारे मन में अत्यंत खुशी का संचार होना चाहिए तो हमारे शरीर में अनेक अनेक जो हमारे हार्मोन्स हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है, भोजन को पचाने की ज़रूरत होती है, हमें एक पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाते हैं, स्वतः ही उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अतः प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें, ये दूसरी आदत है। तीसरी आदत में आपको बताना चाहूँगा, चरक संहिता में लिखा है कि भोजनस्य पूर्वम रोगम जलम, भोजन से पहले तुम पानी पियेंगे तो आपको रोग होगा, और भोजनांते विषम बारी, भोजन के बाद में अगर पानी पियेंगे भोजन करने के तुरंत बाद तो विष बन जाएगा। भोजन मध्य चामृतम बारी, भोजन के मध्य में 1 या 2 बार, ज़्यादा बार नहीं, घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा गिलास ठोक जाए, वो अमृत का स्वरूप हो जाएगा। तो ये भोजन का दूसरा हमारा बिंदु है कि भोजन हम, तीसरा बिंदु है चबा चबा के करें, मध्य में 1 या 2 घूंट पानी की प्राप्त करें, पानी लें, उससे हमारे जीवन में सुखी होगी। इन सबसे महत्वपूर्ण जो चौथा बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। प्राय करके बहुत से लोगों को मैंने सुलझाया है, समझाया है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने जो हमें कहा वो हम आगे ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। ये भोजन की मुद्रा है, इसमें 5 उंगली एक साथ जुड़नी चाहिए। हम रोटी तोड़ें या कोई भी चीज़ लें और देखो इस प्रकार से मुँह तक ये हमारी 5 उंगलियों का संयोग जाना चाहिए। कई लोग भोजन के समय इस उंगली को यूँ उठा देते हैं, तो ये हमारा चौथा बिंदु बहुत ध्यान रखना है। ये उंगली उठाने पर क्या होगा, उस व्यक्ति को जीवन में यश नहीं मिलेगा, वो किसी एक बिंदु पर एकाग्र होकर काम नहीं करेगा।
रोगों की प्राय उसके जीवन में बहुमार बनी रहेगी और प्रसन्नता भी नहीं रहेगी। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ फल है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर जब हमने खंगाला और नाना प्रकार के हमने आयुर्वेद शास्त्रियों से संपर्क किया तो पता चलता है कि ये पांचों उंगली जब हमारे भोजन तक जाती हैं और हमारे दांत चलते हैं तो हमारे शरीर में और हार्मोन्स पैदा होते हैं। अगर हमारी उंगली उठ जाएगी तो उन हार्मोन्सों की कमी आ जाएगी। तो इसलिए खास तौर से उसको बोलते हैं उंगली छेकना गाँव की भाषा में। अगर उंगली छेक के आप भोजन करेंगे, या कुछ लोग यूँ उठा देते हैं, कुछ लोग यूँ खींच देते हैं, ऐसे बहुत से लोगों की आदत को मैंने सुधारा है और उनके बाद उस आदत को सुधारने के बाद जीवन में एक अपूर्व सुख, अपूर्व समृद्धि, अपूर्व सफलता की प्राप्ति होती है। और पांचवा जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ कि भोजन भगवान है। जिस प्रकार से तुम भगवान का सम्मान करते हो, इस प्रकार से भोजन का सम्मान इसमें है कि आप उतना ही भोजन लो जितना कि आप भोजन को ग्रहण कर सकते हो। भोजन को झूठा छोड़ना, भोजन की निंदा करना और जरूरत से ज़्यादा खाना, ये तीनों ही अपराध की श्रेणी में है। जितना तुम्हारे शरीर को रिक्वायरमेंट है उतना आपको भोजन करना है, अल्पाहारी बनना है। और दूसरी चीज़ कि एक कण भी भोजन थाली में नहीं रहना चाहिए। जैसा मैं बार बार कथा भागवतों में सबको संदेश देता हूँ कि भोजन करो मन भर, झूठा न छोड़ो कण भर, इतना लेना थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। आज के ज्ञान में इतना ही। आपको इस ज्ञान के प्रचार को आगे से आगे बढ़ाएं और आगे आपको इससे संबंधित और भी बहुत सी जानकारियां आपको प्रदान करेंगे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के आधार पर इस ज्ञान की प्रवाह गंगा को आगे बढ़ाओ। जय श्री कृष्ण।